हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। अभी तक हमने टेंस जाना था। टेंस कितने पार्ट्स के होते हैं? उनके थ्री पार्ट्स होते हैं। थ्री पार्ट्स में उनके फोर पार्ट्स होते हैं। जैसे थ्री पार्ट्स कौन से होते थे? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो पास्ट टेंस के फोर पार्ट्स, प्रेजेंट टेंस के फोर पार्ट्स एंड फ्यूचर टेंस के फोर पार्ट्स। तो इनके चार चार लेके 12 पार्ट्स हो गए टोटल। अब इन 12 पार्ट्स के 6 वेज यानी 6 वेज होंगे। इस वेज के द्वारा हम पूरे टेंस को बहुत ही अच्छे से जानेंगे। इनके कितने होंगे? 6 वेज होंगे, यानी 6 रास्ते से ये पूरा कंप्लीटेड करेगा खुद को। और आपको समझाने के लिए ये सबसे बेस्ट एंड सिंपल तरीका है। जैसे कि मान लीजिए पहला हमारा क्या था? पास्ट टेंस था। पास्ट टेंस के कौन कौन से पार्ट थे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार पार्ट होते हैं जो कि मैंने अपने वीडियोस में डाला है, आप देख सकते हो। जब मैंने इनके पार्ट्स के क्लासिफिकेशन किए थे तो मैंने सबके नाम बता दिए थे। अब चलिए, अब क्या करना है हमें? इनके 6 वेज जो हैं उनके हमें नाम लिखने हैं। तो पास्ट टेंस का 6 वेज क्या होगा? देखिए, सबसे पहले क्या आता है? सिंपल टेंस जिसको हम कहते हैं, वो हमारा अफर्मेटिव होता है। सिंपल टेंस जिसे कहा जाता है वो अफर्मेटिव होता है। सेकंड पार्ट इसका आता है हमारा नेगेटिव, यानी जहाँ पे हम नो का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद थर्ड में आएगा आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब हो गया कि जहाँ पे हम किसी चीज़ के बारे में आस्क कर रहे हैं, वो आपका इंट्रोगेटिव हो गया। फोर्थ नंबर पे आपका आएगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। प्लस नेगेटिव यानी इंट्रोगेटिव के साथ नॉट जुड़ जाएगा। नेगेटिव का मतलब होगा आपका नॉट, जहाँ हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं वो नेगेटिव होता है। किसी भी चीज़ को काट के नहीं बोलना, वो आपका नेगेटिव पॉइंट होता है। मैं अच्छा करूँगा, मैं अच्छा नहीं करूँगा, तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट होता है। पाँचवें नंबर पे आपका आएगा डब्ल्यू एच फैमिली, यानी डब्ल्यू से कनेक्टेड जितने भी वर्ड्स होंगे वो आएंगे, क्वेश्चन मार्क्स। सिक्स नंबर पर आएगा वही सेम डब्ल्यू एच फैमिली प्लस नेगेटिव यानी नॉट। तो इस तरह से हमारे क्या हो गए? 6 वेज। देखिए, पास्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वो डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव, ये हो गया। इसी तरह प्रेजेंट टेंस का भी, सॉरी प्रेजेंट टेंस का भी सेम चीज़ होगा, यही होगा। यहाँ पे हम तीनों लिख दे रहे हैं। चलिए, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये तीनों का ही यही होगा। किसी का कुछ चेंज नहीं होने वाला है। बस क्या चेंज होगा? तो वहाँ पे रूल्स चेंज होंगे। अगर पास्ट टेंस का रूल कुछ और है तो प्रेजेंट का रूल कुछ और होगा और फ्यूचर का रूल कुछ और होगा। तीनों के रूल सेम नहीं होंगे। पास्ट टेंस में अगर नेगेटिव का रूल कुछ और है तो प्रेजेंट का कुछ और होगा और फ्यूचर का कुछ और। उसी तरह इंट्रोगेटिव में भी वही चीज़ है, इनका दूसरा होगा, इसका कुछ दूसरा होगा। अगर डू डज का कर रहे हैं तो नॉट का करेंगे। इस तरह से होगा, चेंज होता चला जाएगा। सारे का सेम ही सिचुएशन है। पास्ट टेंस में कुछ और है तो प्रेजेंट में चेंज होगा, फ्यूचर में भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो बीता हुआ और आने वाले और चल रहे समय के बारे में बात हो रहा है, तो इसलिए चेंज तो होगा ही। तो इसके साथ हमने आज ये किया कि हमने सिर्फ उनके वेज जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अफर्मेटिव में कौन कौन से रूल्स होंगे, पास्ट टेंस में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। इस तरह से करके एक एक जानेंगे और टेंस को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तब तक के मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।